हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आप में से कई लोग हॉन्टिंग ट्यूब ऐप के सजेशन बॉक्स द्वारा मुझ तक अपनी राय पहुंचाते हैं और हाल में मुझे कई सजेशंस मिले कि मैं कुचिसाके ओन्ना पे एक वीडियो बनाऊं। मैंने इस टॉपिक पे तुरंत ही रिसर्च किया और आज इस वीडियो में मैं आपको द अर्बन लेजेंड कुचिसाके ओन्ना के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स बताऊंगा जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, ये बात 1970 के दशक की है जब जापान में कुछ अजीबोगरीब केसेस देखने को मिली। लोगों का कहना था कि जब वो रात को अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उन्हें एक औरत सर्जिकल मास्क लगाए घूमती दिखती है। ये औरत अकेले घूमते हुए लोगों के पास जाकर उनसे पूछती है कि क्या वो सुंदर दिखती है। अगर उस इंसान का जवाब नहीं होता है तो वो औरत उसे एक कैंची की मदद से मार डालती है। लेकिन अगर उस इंसान ने अपने जवाब में हाँ बोल दिया तो वो अपना सर्जिकल मास्क हटाकर अपना पूरा चेहरा दिखाती है और इस औरत के चेहरे पर जख्म के निशान होते हैं, मानो किसी ने चाकू से इसके होठों को दोनों तरफ से फाड़ दिया हो। नाउ ये वापस उस इंसान से पूछती है कि क्या अब भी मैं सुंदर दिखती हूँ। अगर जवाब ना है तो वो उस इंसान को मार डालेगी और अगर जवाब हाँ है तो वो इस इंसान के चेहरे पर अपने कैंची से उसके होठों को काट कर ठीक अपने जैसा जख्म देगी। इस जख्म से पॉसिबली उस इंसान की मौत हो जाएगी। नाउ आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब है और ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आगे कुआं और पीछे खाई है, लेकिन ऐसा ही कुछ जापान के लोगों के साथ 1970 के दशक में हो रहा था। इस औरत को कुचिसाके ओन्ना या फिर स्लिट माउथ वुमेन के नाम से जाना गया और जापान में इसके सच होने का कई लोग दावा करने लगे। कुचिसाके ओन्ना की अपियरेंसेस और भी बढ़ती गई और सन 1979 में ये औरत छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाने लगी। ये इंसिडेंट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग अपने बच्चों को स्कूल जाना तो दूर, अपने घर से बाहर जाने के लिए भी अलाउ नहीं कर रहे थे। अगर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज भी रहे थे तो वो उन्हें किसी टीचर्स की लगातार निगरानी या फिर कुछ बड़े बच्चों के ग्रुप्स में रखते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कुचिसाके ओन्ना अकेले घूम रहे लोगों को ही अपना विक्टिम बनाती थी। वारदातें और भी बढ़ती गई जिसके परिणाम अनुसार जापान में रात को पुलिस पेट्रोल्स बढ़ा दिए गए। एक ऐसे ही इंसिडेंट के दौरान पुलिस ने एक औरत को अपने गाड़ी से धक्का मारा जो कि एक बच्चे का पीछा कर रही थी। जब उस औरत के लाश को पुलिस ने देखा तो उसके शक्ल पे सच में कुचिसाके ओन्ना जैसे जख्म थे। अब वो औरत कौन थी, कहां से आई थी और क्या सचमुच उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति थी, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि वो उस भाग रहे बच्चे को अपना शिकार बनाने वाली थी। जापान के लोगों ने कुचिसाके ओन्ना से बचने का तरकीब भी निकाल लिया था जिसमें वो उसके पहले सवाल का जवाब हाँ देते थे और दूसरे सवाल के जवाब में हाँ या ना के बजाय सो सो या एवरेज बोल देते थे। इससे कुचिसाके ओन्ना कन्फ्यूज हो जाती थी और लोगों को वहाँ से भाग निकलने का वक्त मिल जाता था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो शैतानी औरत ऐसी हरकतें क्यों करती थी। इसका जवाब देने के लिए मैं आपको 1200 साल पीछे ले जाऊंगा, जब एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की शादी एक समुराई से होती है। इस लड़की को अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज था और वो खुद को बहुत ही हाई रिगार्ड में ट्रीट करती थी। उसे अपनी खूबसूरती पे इतना घमंड हो गया था कि वो किसी और इंसान के साथ अपने संबंध बनाने लगी, जबकि उसके संबंध पहले से ही एक समुराई के साथ थे। जैसे ही इस सैमुराई को ये बात पता चली, वो अपने तलवार से इस लड़की की शक्ल को एक कान से दूसरे कान तक चीर डाला और फिर वो बोला, अब देखते हैं कौन तुम्हें सुंदर बोलता है। वो लड़की वहीं मर गई और फिर वो कुचिसाके ओन्ना नाम के स्पिरिट के रूप में वापस आकर लोगों को हॉन्ट करने लगी। अब चूंकि उस समुराई ने बोला था कि उसे अब कोई सुंदर नहीं बोलेगा, वो राह चल रहे लोगों से यही सवाल पूछती थी कि क्या वो सुंदर दिखती है और फिर वो उन पर हमला कर देती थी। 1980 के दशक में कुचिसाके ओन्ना एकदम से गायब हो गई और तब से लेकर आज तक उससे रिलेटेड कोई वारदात नहीं हुए हैं। लोगों का मानना है कि जब लोग इसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं तो ये कई सालों के लिए सोने चली जाती है, लेकिन जैसे ही लोग इसके बारे में ज़्यादा बातें करना शुरू करेंगे ये वापस आएगी और एक बार फिर से लोगों की ज़िंदगी को हॉन्ट करेगी। अब ये बातें कितनी सच है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस अर्बन लेजेंड की कहानी बहुत ही रोचक है और जब कोई कहानी इतनी रोचक हो तो लोग बातें ज़रूर करते हैं और उन बातों को दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। तो अगर आपको भी कुचिसाके ओन्ना की कहानी रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।